पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लोकतंत्र पर हिंसा तंत्र भारी दिखा। पांचवें चरण में भी यहां पर चुनावी हिंसा जारी है। बीजेपी ने टीएमसी पर बैरकपुर में अपने उम्मीदवार को पीटने का आरोप लगाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में मतदान के दौरान भी आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़, बैरकपुर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। आज हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा ममता हार रही है इसीलिए हिंसा का सहारा ले रही है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दौरान हिंसा, पुलवामा में आतंकियों ने मतदान केंद्र पर ग्रेनेड फेंका। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। पांचवें चरण के मतदान के दौरान भी कई इलाकों में झड़प और तोड़फोड़ देखने को मिली। बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोग मतदाताओं को बूथ पर आने से रोक रहे हैं। बीजेपी ने बैरकपुर में फिर से मतदान कराए जाने की मांग की है। ममता चुनाव हार रही है इसलिए वोट से नहीं रिगिंग से चुनाव जीतने का उनका प्रयास है। ये लोकतंत्र की घोर अवमानना है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा है। वो चुनाव आयोग को धमका रही है। आज बैरकपुर में सीपी को, पुलिस कमिश्नर को पहले हटाइए, ये एक सप्ताह पहले हमने वहां भी और यहां भी मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने तबादला नहीं किया। बैरकपुर सीट के ये आमतला इलाके का 107 नंबर बूथ, यहीं पर आते हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार है अर्जुन सिंह, और उनका ये आरोप था इस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया था और उसके बाद ही वो जाते एक और जगह जहां पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता रहते हैं, और उनका ये आरोप था कि सुबह से ही पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दौरान आतंकियों ने मतदान केंद्र पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। त्राल इलाके में भी पेट्रोल बम फेंककर मतदान को बाधित करने की कोशिश की गई। ये स्पॉट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट बन गया है नेशनल हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पर 40 जवान शहीद हुए थे और आज यही क्षेत्र जो है चुनाव के लिए गया है, यहाँ मतदान हो रहा है। लेकिन पोलिंग परसेंटेज अगर हम इस जगह की बात करें तो 0.39 के करीब बताई जा रही है। यहाँ पोलिंग परसेंटेज माना जा रहा है बहुत कम रहेगा, क्योंकि खौफ और दहशत जो 14 फरवरी को पैदा हुआ था वो आज भी यहाँ मौजूद है।